झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और इस बार हम कक्षा 12वीं की अंतरा पाठ्य पुस्तक से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का गद्य पाठ सुमिरनी के मन के ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे सुमिरनी के मन के पाठ का सारांश, लेकिन उससे भी पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि हमने व्याकरण, काव्य और रस छंद अलंकार संबंधी कुछ वीडियोस भी आपके लिए बनाए हैं, जिन्हें आप झरोखा चैनल पर खोज सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के गद्य पाठ सुमिरनी के मनके का सारांश। सुमिरनी के मनके शीर्षक का अर्थ ही सबसे पहले हम जान लें। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने हाथों में एक माला रख करके और उसमें स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो उसे सुमिरनी कहते हैं और मनके कहलाता है। उसके अंदर जो माला के मोती हैं, गुड़िया हैं, उसे मनके कहा जाता है, मनका। तो यहाँ पर शर्मा जी ने दो तीन ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो वो कहते हैं कि हमारे जीवन रूपी सुमिरनी के मनकों की तरह हैं। तो पहला जो मनका है वो है बालक बच गया। पहली छोटी कहानी है बालक बच गया, उसका शीर्षक है। इसमें एक बच्चे को बहुत सी बातें कृत्रिम रूप से सिखा दी गई हैं, जैसा कि माता पिता अक्सर करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत विद्वान दिखाई दे, नजर आए दूसरों की नजर में, तो उसे हम बहुत सारे कठिन प्रश्नों के उत्तर रटा देते हैं और वो रट के जब सुना देता है तो बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत ही विद्वान है, प्रतिभाशाली है। तो यहाँ भी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है। इस तरह बच्चे के दिमाग में उन्होंने ठूस ठूस कर बहुत से नकली जो सवाल और उत्तर है वो भर दिए हैं। उसके पिता और अध्यापक इससे बहुत आनंदित होते हैं कि बच्चे में बड़ी अपूर्व प्रतिभा है। उससे दर्जनों सवाल पूछे जाते हैं, वह रटा हुआ जवाब दे देता है, पर जब उससे पूछा जाता है कि उसे इनाम में क्या चाहिए, उसने इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, अब वह बताए कि उसे क्या इनाम चाहिए, तो वह कहता है मुझे लड्डू चाहिए। पिता और अध्यापक यह उत्तर सुनकर निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि लड़के ने आखिर अपना लड़कपन दिखा ही दिया। लेकिन लेखक इसी उत्तर से प्रसन्न होता है कि बच्चे के अंदर बचपना अभी शेष है, उसे मार नहीं दिया गया, सुखा नहीं दिया गया, नष्ट नहीं कर दिया गया। उसके पिता ने और अध्यापक ने पूरी कोशिश की थी कि उसके बचपन को तोड़ मरोड़ दिया जाए, उसे जो है मुरझा ने के लिए विवश कर दिया जाए, परंतु फिर भी बच्चे के अंदर लड्डुओं के प्रति जो मोह होता है बालकों का वो मौजूद है, अर्थात बचपन अभी शेष है। जिस तरह पेड़ की हरियाली बची रहती है और सूखे काट से लकड़ी के जब लकड़ी सूख जाती है पेड़ की, तो उससे बनी हुई अलमारी से चरमराहट तो आती है, परंतु जो हरियाली और हरितिमा से भरे हुए पेड़ का जो आनंद है वो नहीं मिलता। तो बचपन एक हरित पेड़ है और उसके बचपन को तोड़ देना एक पेड़ को सुखा देने के समान है। अब दूसरी कहानी लेखक ने इसमें प्रस्तुत की है और उसका शीर्षक दिया है घड़ी के पुर्जे। और इसमें उन्होंने घड़ी को एक प्रतीक मान लिया है कि लोग घड़ी है आपके पास में, उसके कांटे घूम रहे हैं, समय बता रही है, और कुछ लोग पूछते हैं भाई क्या बजा है, और आपने बताया कि घड़ी में इतना समय हुआ है, बस इससे ही काम चलाते रहें लोग, दूसरे की घड़ी से समय पूछते रहें और उस समय पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। पर लेखक कहता है कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि भाई ये घड़ी चलती कैसे है, इसके ये कांटे छोटे और बड़े क्यों हैं, इसके अंदर की व्यवस्था क्या है, तो उसे वह जानने का मौका मिलना चाहिए ताकि वह भी उसका ज्ञान पा सके।
गुलेटी जी ने एक घड़ी से उदाहरण दिया है कि आप घड़ी वाले से दूसरे लोगों से समय जान लो पर घड़ी खोलकर देखने की कोशिश न करो, ऐसा हमारे देश के जो धर्म के ठेकेदार है, जो धर्म के विद्वान बने हुए हैं, वो यही चाहते हैं और वे अपने हाथों में सारी चाबी रखना चाहते हैं कि वो जैसा कहें लोग उसका वैसा ही अनुगमन करते रहें, अपनी ओर से जानने की कोई इच्छा उनमें पैदा ना हो। और अब तीसरा जो मन का है वो है ढेले चुन लो। तो कवि कहते हैं वैदिक काल में विवाह करने की एक वैदिक रीति होती थी, जो वर होता था वो वधु के गांव में जाता था और अपने हाथ में मिट्टी के कुछ ढेले रखता था। हो सकता है कि कोई ढेला शमशान की मिट्टी का हो, कोई खेत की मिट्टी का हो और कोई किसी पवित्र स्थान की मिट्टी का हो, और फिर वह जाकर के मिट्टी के उस ढेले को वह उस कन्या के सामने रख देता था और कहता था इसमें से कोई एक उठा लो, और वह जो मिट्टी का ढेला उठाती थी उससे ये तय होता था कि यह स्त्री अगर इस कन्या से विवाह करेगा तो वह कैसे पुत्र को जन्म देगी। अगर शमशान की मिट्टी वाला ढेला उसने उठाया है तो यह अमंगल होगा, खेत की मिट्टी वाला ढेला उठाया है तो पुत्र जमींदार होगा। तो इस तरह से अलग अलग ढेलों का अलग अलग प्रभाव हुआ करता था। यदि अशुभ मान ली गई लड़की किसी दूसरे वर के लिए वेदी वाला उठाकर ढेला उठाकर शुभ भी हो सकती है, ये विचार लेखक का तो है पर उस काल का नहीं था, जिसमें ये माना जाता था कि लड़की ने एक बार ढेला उठा लिया तो बस वो उसका अंतिम निर्णय हो गया। लेकिन ये संभावना है कि अगली बार दूसरे वर के लिए वो एक वेदी से, यज्ञ की वेदी वाली मिट्टी से बनाए गए ढेले को उठाए और वह बहुत ही मंगलमय स्त्री के रूप में सामने आए। तो लेखक कहते हैं यह एक नकली और अवैज्ञानिक धारणा है। गुलेरी जी की कहानी इसी का विरोध करती है। वे कहते हैं अपनी आंखों से देखकर गुणों के आधार पर चुनाव करना ही ज्यादा उचित है बजाय मंगल और शनि ग्रहों की चाल के आधार पर निर्णय लेने के। तो यह था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना सुमरिणी के मनके का सारांश। अगली बार हम इसी पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।